अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। क्या आप लोगों ने कभी मूली के पकौड़े बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो ये डिफरेंट सी रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने हाफ मूली ले देनी है, इसको छील देना है और अच्छे तरीके से वॉश कर देना है। अब तमाम मूली को आप लोगों ने कर देना है कद्दूकस, ठीक है। तो इस मूली को मैं कद्दूकस कर लूँगी बहुत ही अमेजिंग तरीके से, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। मूली को मैंने कद्दूकस कर दिया, इसको कर देंगे साइड पे। दूसरी तरफ मैंने पैन में एक चम्मच ऑयल दे दिया, इसमें डाल देंगे ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा डाल देना है एक चम्मच, आप लोगों ने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये पकौड़े तैयार होंगे। एक बार जब आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। थोड़े से आप लोगों ने इसमें प्याज भी ऐड कर देने हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। इनको सॉफ्ट कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दो मिनट वेट करते हैं, प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, अदरक लहसुन की अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, मूली के थोड़े से आप लोगों ने पत्तों को कट कर देने हैं, और इसके बाद कद्दूकस की हुई मूली। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेप में हरी मिर्चों को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड करूँगी कुछ, तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, ठीक है। तो माशाल्लाह से दो मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने तमाम चीज़ों को भुना है। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हसबे जायका नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें यूज़ करने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। मिक्सिंग पर डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। ये देखिए माशाल्लाह, सिर्फ दो मिनट आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दो मिनट आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दो मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया। दूसरी तरफ एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे हाफ कप बेसन और हाफ ही कप आप लोगों ने मैदा ले लेना है, ठीक है। जितना बेसन लेंगे उतना ही आप लोगों ने मैदा लेना है, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें। इसके बाद जो हम लोगों ने मूली का मसाला तैयार किया था वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही अमेजिंग ये हमारे पकौड़े तैयार होंगे। और आप लोगों ने कभी भी ये रेसिपी नहीं ट्राई की होगी, मैं ये आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर ट्राई की है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको मिक्स किया, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार कर देंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप लोगों का बैटर होना चाहिए, ठीक है, पतला नहीं होना चाहिए, ऐसे गाढ़ा बैटर होना चाहिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हाथ की मदद से आप लोग पकौड़ों को डालते जाएं, जिस शेप के आप लोगों को पसंद हो उसी शेप के डालते जाएं। और एक साइड इसकी पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो आप लोगों ने इसकी एक साइड को पकने देना है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दो मिनट मैं एक साइड को पका लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। दो मिनट मैंने एक साइड को पकाया है, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये पकौड़े तैयार होंगे। आप लोग यकीन माने आप लोगों ने पहले कभी ऐसे पकौड़े नहीं खाए होंगे, और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, ठीक है। जो शेप भी आप लोग पकौड़ों की रखना चाहें रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कुछ को फ्राई कर दिया और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम को फ्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तमाम पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये फ्राई हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।